नमस्कार दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन के तीसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन का जो एंगल कैलकुलेशन मेथड होता है सर्वे के अंदर उसके बारे में, जिसमें आपको दिखाएंगे AP1, AP2, AP3, AP4 एग्जांपल में। अभी AP2 और AP3 का हम लोगों को एंगल निकालना होता है। अभी AP2 और AP3 राइट टर्न लेफ्ट टर्न है, अगर ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे सटीक से तो हम लोगों को मालूम ही पड़ जाएगा बियरिंग से ही, मतलब कैलकुलेशन से ही, जो ये AP2 राइट टर्न है या लेफ्ट टर्न है, AP3 लेफ्ट टर्न है या राइट टर्न है। इसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले ज़रूरत पड़ेगा कोऑर्डिनेट का, हर एंगल पर उनका कोऑर्डिनेट, जैसे AP1, AP2, AP3, AP4 इसका कोऑर्डिनेट, या GPS कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, और आपका TS कोऑर्डिनेट मतलब टोटल स्टेशन का जो सर्वे किया हुआ है, या DGPS का है कोऑर्डिनेट वो भी हो सकता है। अगर टोटल स्टेशन का कोऑर्डिनेट है तो ये थ्रू कोऑर्डिनेट होना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट होगा AP1 से स्टार्ट होगा तो सीधा बिना कट करके हुए AP4 तक अगर कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट है तो उसमें आप सीधा सीधा कहाँ से भी घर में बैठ के, रूम पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कहाँ पे भी बैठ के आप कौन से टावर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोगों के पास अभी GPS कोऑर्डिनेट है या TS कोऑर्डिनेट है, अगर DAPS कोऑर्डिनेट है तो हम लोग निकल सकते हैं। इसके लिए करना पड़ेगा क्या, पहले हम लोगों को अगर AP2 का कोऑर्डिनेट निकालना, एंगल निकालना होगा तो हम लोगों का निकालना पड़ेगा AP1 और AP2 का बियरिंग, लाइन का बियरिंग, AP3 और AP2 का लाइन का बियरिंग हम लोगों को निकालना पड़ेगा। जैसे इस लाइन, तीनों लाइन का बियरिंग, अगर AP2 का एंगल चाहिए तो AP1 और 2 का बियरिंग, AP2 और 3 का बियरिंग। ये बियरिंग कैसे निकलेगा, जैसे अगर ये निकालने के लिए कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन करने के लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं या टोटल स्टेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे AP1 का कोऑर्डिनेट फर्स्ट में डालना है और AP2 का कोऑर्डिनेट सेकंड में डालना है, तो जो बियरिंग आएगा उसको नोट करना है। AP1, AP2 बियरिंग नोट करना है, AP2, AP3 बियरिंग नोट करना है, AP4, AP3, AP4 इसका बियरिंग नोट करना है। इसे सीरियल में कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन करना है, ये सीरियल में, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन हो गया, तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे आपको मैं बताया इसमें ऐसे प्रोसेस करके होगा। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, उसी हिसाब से बियरिंग 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 हो जाएगा। अभी बियरिंग निकालने के बाद जैसे मेरा आएगा AP1 और AP2 का बियरिंग है 20 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड, जैसे यहाँ पे मैं नोट भी कर दिया। यहाँ पे आया AP2 और 3 का कोऑर्डिनेट आया 50 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड। अभी AP3 और 4 का बियरिंग आया 30 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन किया है AP1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उल्टा सीधा नहीं करना है। AP1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, कभी ऐसा नहीं करना है। अभी 1 से 2 कर दिया फिर 3 से 2 कर दिया, ये नहीं करना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, ये ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन कर लिया तो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा, अगर कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन हो गया तो बियरिंग निकल आएगा। बियरिंग निकलने के बाद हम लोगों को बियरिंग, दोनों बियरिंग माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को AP2 का एंगल के लिए AP1 और 2 का लाइन का जो बियरिंग आया और AP2 और 3 का लाइन का जो बियरिंग आया, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके अगर आया मेरा 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री राइट टर्न या लेफ्ट टर्न हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे देखिए ये AP1 और 2 का बियरिंग कौन सा आया 20 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड, और AP2 और 3 का बियरिंग आया 50 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड, मतलब इस बियरिंग और ये बियरिंग में छोटा बियरिंग यही है। अगर पीछे का बियरिंग छोटा हो गया, ऊपर का बियरिंग बड़ा हो गया तो ये राइट टर्न हो जाएगा, ये थोड़ा याद करके रखिएगा। पीछे का बियरिंग अगर छोटा हो गया, ऊपर का बियरिंग अगर बड़ा हो गया तो राइट टर्न हो जाएगा। सेम टू सेम अगर पीछे का बियरिंग बड़ा हो गया, ऊपर का बियरिंग छोटा हो गया तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बोल देता हूँ, अगर पीछे का बियरिंग छोटा हो गया, ऊपर का बियरिंग बड़ा हो गया तो राइट टर्न होगा।
अगर पीछे का बेयरिंग बड़ा हो गया, ऊपर का बेयरिंग छोटा हो गया तो लेफ्ट टर्न होगा, ठीक है। उसी हिसाब से मेरा ये एंगल आया है, यहाँ पे AP2 का एंगल आया 30 डिग्री राइट टर्न, AP3 का एंगल आया है 20 डिग्री राइट टर्न, ठीक है। अभी देखिए मेन मुद्दा यही चीज़ होता है, इसी हिसाब से मैं आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पर काम आएगा। अगर मान लीजिए आप सर्वे करते करते आगे में देखना है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कैलकुलेशन करना है इस यहाँ पे कल कौन सा यहाँ पे पहुँचना है, तो कौन सा एंगल चॉइस चूज करना है, उसी हिसाब से पीछे का बेयरिंग कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप AP2 पे खड़े हैं, आपको पहुँचना है AP3 पे, तो आपको कितना डिग्री एंगल पे बांध के मशीन को निकलना पड़ेगा तब आप ठीक जगह पे पहुंचोगे, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन काम में आता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपको बहुत जल्दी सर्वे करना है तो ये बहुत काम का चीज़ है, आप सीधा कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट को सीधा कंटिन्यूसली करते 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 चले जाइए, AP का कोऑर्डिनेट नोट करते चले जाइए, जहाँ पे बियरिंग आया, जहाँ पे आपका AP आया, वो AP को कैलकुलेट करिए और आपका एंगल निकल आएगा। इसमें क्या है, आपको कभी भी गलती होने का कभी भी गलती नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जेन्युइन फार्मूला है, ये सीधा फार्मूला है। अभी इस बियरिंग को निकालने के लिए आपको दो प्रोसेस करना पड़ेगा, या टोटल सिस्टम में आप जो सोखिया का होता है आप सेटअप डाटा में या उसमें जाके निकल सकते हैं, या कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी निकल सकते हैं। देखिए ये चीज़ बहुत काम का है। अभी अगर आप लोगों ने मेरा जो पिछला 3 वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, ये तीसरा वीडियो है, पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है, और भी मेरा ट्रांसमिशन के बारे में वीडियो है, जैसे टेम्पलेट के बारे में है, फाउंडेशन के बारे में है, मैं वीडियो डालता रहता हूँ कभी कभी। अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आए तो देख लीजिएगा। दोबारा मैं बोल देता हूँ एकदम शॉर्ट में, अगर आपको AP2-3 का कैलकुलेशन करना है तो AP1 और 2 का बेयरिंग निकालना पड़ेगा, 2 और 3 का बेयरिंग निकालना पड़ेगा, 3 और 4 का बेयरिंग निकालना पड़ेगा, दोनों बेयरिंग माइनस करके जो एंगल आएगा उसका हो गया, ये हो गया AP2 का एंगल। इसमें पीछे का बेयरिंग अगर छोटा होगा, सामने का बेयरिंग अगर बड़ा होगा तो हो जाएगा राइट टर्न। अगर आपका ये बेयरिंग पीछे का बेयरिंग बड़ा होगा, सामने का बेयरिंग छोटा होगा, ये हो जाएगा लेफ्ट टर्न, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेट होना है, अगर GPS कोऑर्डिनेट होगा तो बहुत बढ़िया है। उसमें क्या होगा, GPS कोऑर्डिनेट में आप सीधा GPS कोऑर्डिनेट में आप किसी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधा कैलकुलेटर TS से कैलकुलेट कीजिए, बियरिंग बिठाइए और निकल जाइए। अगर टोटल सेशन का कोऑर्डिनेट है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कोई माइनस बियरिंग आएगा, माइनस मान लीजिए माइनस 20 डिग्री आ गया, तो इसको प्लस करने के लिए 180 से प्लस करना पड़ेगा, 180 से माइनस करना पड़ेगा। एग्जांपल हो गया, अगर ये माइनस 20 डिग्री हो गया तो इसको माइनस इसको प्लस में लेके आना पड़ेगा, कोई भी माइनस बेयरिंग नहीं चलेगा, प्लस बेयरिंग करना पड़ेगा। अगर कोई माइनस बेयरिंग आया तो उसको प्लस में लेके आके तब ये फार्मूला काम करेगा, ये काम करने में अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें गलती नहीं होगा। दोनों साइड में माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक साइड में माइनस आ गया एक साइड में प्लस आ गया तो आपका जो जो बेयरिंग माइनस में है उसको प्लस में करना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के इतना सही है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ये सब ट्रांसमिशन का वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद में हूँ। मेरा नया चैनल है, आप लोगों का मदद चाहिए, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी ऐसा ट्रांसमिशन के बारे में बहुत वीडियो लेके आऊँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।